हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ शाइनी रूपी लोन ऐप के बारे में। शाइनी रूपी लोन ऐप किस तरीका का ऐप है, यहाँ पर लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ये ऐप सही है कि नहीं सही है, लोगों का क्या कहना है, ऐप के बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शाइनी रूपी लोन ऐप एक तरह का इंस्टेंट लोन ऐप है, जिसका ये दावा है कि यहाँ से आपको लोन इंस्टेंटली आपके अकाउंट में डाल सकता है और उसके बाद आप उसको कुछ इंटरेस्ट के साथ रिपे कर सकते हैं, यानी आपको इंस्टेंटली लोन अप्रूव करवा देगा। और इनका ये भी दावा है कि यहाँ से आपको 3,000 से लेकर 50,000 तक का लोन मिल सकता है। टाइम ये आपको 91 डेज से 180 डेज तक का देते हैं, कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं लगती और मैक्सिमम APR ये 30% तक चार्ज करते हैं। इनकी जो सर्विस फीस है वो 10% से 20% तक लगती है। और एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट में ये बोलते हैं कि आप इंडिया रेसिडेंट होने चाहिए, 18 से 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आपकी स्टेबल इनकम होनी चाहिए। इस लोन को लेने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, उसके बाद जो लोन है आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये इनका दावा है। अब बात करते हैं लोगों का क्या कहना है जब लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और लोन लेने की कोशिश की। तो लोगों का ये कहना है, जब लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, बेसिक डिटेल्स भरते हैं, इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, तो एलिजिबिलिटी में उनको दिखाता है कि आप 5,000 के लिए, 3,000 के लिए, 2,000 के लिए एलिजिबल हैं, तो इस तरह का अमाउंट दिखाता है। जब लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो या तो पैसा इनके अकाउंट में आ जाता है या तो नहीं आता है। और अगर पैसा अकाउंट में आया तो कितना आएगा, अगर 5,000 के लिए आप एलिजिबल थे, आपने अप्लाई किया, तो आएगा आपके अकाउंट में 3100। और अगर 2,000 के लिए आपने अप्लाई किया था तो आपके अकाउंट में आएगा 800 रुपये। और फिर हाई इंटरेस्ट लगाकर डबल अमाउंट मांगा जाता है, यानी अगर 3100 आया तो आपसे मांगेंगे 5,000 रुपये, अगर 1,800 आया करीब तो आपसे मांगेंगे 3,000 रुपये, अगर 800 आया करीब तो आपको देना पड़ेगा 2,000 रुपये। और जब आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं आया तो ये आपके पास मैसेज करते हैं कि इतना का अमाउंट अप्रूव्ड हो गया, लोन अमाउंट अप्रूव्ड हो गया, अब आप रिपे करिए 7 दिन के अंदर। डेटा इनके पास पहुंच ही जाता है, जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं आपका डेटा, आपकी पिक्चर्स इनके पास पहुंच जाती है और फिर कॉल्स, मैसेजेस पहले ही आने लगते हैं 7 दिन से पहले। और अगर आपने रिपे कर दिया तो जो स्टेटस है वो क्लोज नहीं होता, लोन क्लोज नहीं होता, और ये बताते नहीं है कि आपने रिपेमेंट किया है कि नहीं किया है, और आपसे पैसा मांगा जाता है, पेनाल्टी लगती चली जाती है। और ये भी कहते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने लोन अमाउंट को टाइम से दे दिया है तो जो नेक्स्ट लोन आप लेंगे आसानी से आपको मिल जाएगा। अरे भैया, पहले आप रिपेमेंट तो क्लियर करिए, जब रिपेमेंट ही क्लियर नहीं कर रहे हो तो कहां से नेक्स्ट लोन अमाउंट आ जाएगा, कैसे अप्लाई कर देगा आदमी। और देखा गया है कि जितने भी इस तरह के लोन ऐप्स हैं जो डबल अमाउंट मांगते हैं, पैसा वसूलते हैं आपसे, उनके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे सिर्फ एक ईमेल आईडी होती है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, कोई ओनर डिटेल्स नहीं होती, ऐसे ही कोई एड्रेस लिख दिया जाता है, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होता, यानी इनकी कोई पकड़ ही नहीं होती। ये कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं लेकिन आप इनको पकड़ नहीं सकते। आप इनके ऐप को हटा सकते हैं गूगल स्टोर से लेकिन ये फिर आ जाते हैं कोई ना कोई नया नाम से, नया ऐप लेकर। तो दोस्तों, इस तरह के ऐप को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहां से लोन लें, या अनसेफ है, रिस्की है। अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो डबल पैसा वसूला जाएगा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, आपका डेटा चला ही जाएगा और आप अलग से परेशान भी रहेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीका के ऐप है और क्या कर रहा है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।